हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास फाइव साइंस में लेसन नंबर फोर। आज हम लोग लेसन नंबर फोर का जो बचा हुआ पेज था उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। आज पढ़ना है उसमें ज्वाइंट। ज्वाइंट क्या होता है आप अपने शरीर के अंदर देखेंगे, कई प्रकार के ज्वाइंट हैं और हर जगह ज्वाइंट है। तो उसी ज्वाइंट के बारे में आज जानकारी करना है। द प्लेस वेयर ऑन बोन ज्वाइन विद द अदर इज कॉल्ड ज्वाइंट। वो स्थान एक हड्डी एक दूसरी हड्डियों से जहाँ मिलती है उसे ही ज्वाइंट कहते हैं। बोन्स कैन नॉट मूव एट ज्वाइंट्स। हड्डियाँ जो हैं ज्वाइंट्स पे केवल घूम सकती हैं। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट ज्वाइंट्स। वही हड्डियाँ ज्वाइंट्स के ऊपर एक साथ जुड़ी हुई रहती हैं। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलास्टिक टिश्यू इज कॉल्ड लिगामेंट्स। और वहाँ पे इलास्टिक टिश्यू होते हैं जिसको कि लिगामेंट कहते हैं, स्ट्रॉन्ग जिसको कि मजबूती लाते हैं। मसल आर अटैच टू बोन्स बाई स्ट्रॉन्ग टिश्यू। ये मसल हड्डियों के ऊपर मसल हैं जो कि मसल हड्डियों से जुड़े हुए हैं, वो स्ट्रॉन्ग टिश्यू से बंधे हुए हैं, उनको हम लोग टेंडन्स कहते हैं। ज्वाइंट्स मूवेबल ज्वाइंट्स इनमूवेबल ज्वाइंट। ज्वाइंट जो है देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मूवेबल ज्वाइंट्स। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मूवेबल ज्वाइंट्स। लेकिन ज्वाइंट जो होता है मूवेबल ज्वाइंट होता है, इमूवेबल ज्वाइंट होता है। तो ज्वाइंट विच कैन मूव, वो जोड़ जो घूम सकता है, और इमूवेबल ज्वाइंट जो होता है ज्वाइंट विच कैन नॉट मूव, जो घूम नहीं सकता है, इमूवेबल ज्वाइंट हो जाता है। तो इमूवेबल ज्वाइंट जो होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं। एक हिज ज्वाइंट होता है, अलाउ मूवमेंट जस्ट लाइक द हिज ऑफ ए डोर इन ओनली वन डायरेक्शन। ज्वाइंट्स इन एल्बो नी फिंगर्स एंड टो। आप देखेंगे हिज ज्वाइंट जैसे दरवाजे में, पुराने समय में आप घर के दरवाजों में आप देखेंगे हिज लगा हुआ रहता था दरवाजे को घूमने के लिए। तो ऐसा वो ही ज्वाइंट होता है कि केवल एक ही दिशा में वो घूमता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जो कि एक ही दिशा में घूमते हैं, जैसे हमारा एल्बो, नी है, फिंगर है, पैर की उंगली है, तो सभी जगह घुमाएंगे तो नहीं घूम पाएगा, तो इसे हम लोग ही ज्वाइंट कहते हैं। नंबर बी, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो बाल एंड सर्किट ज्वाइंट आर फाउंड एट द हिप ऑफ हिप एंड हिप्स एंड शोल्डर। बाल एंड सर्किट ज्वाइंट आप देखेंगे गोलाकार होता है, वो हिप एंड शोल्डर में होता है। कंधों, कंधा को आप कहीं भी घुमा सकते हैं, राउंड में भी घुमा सकते हैं, तो इसे हम लोग बाल एंड सर्किट ज्वाइंट्स कहते हैं। दिस ज्वाइंट्स अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। ये बाल एंड सर्किट ज्वाइंट कि गति जो होती है ये सभी दिशाओं में घूम सकती है। द एंड ऑफ वन बोन इज शेप्ड लाइक ए बाल विच फिट्स इनटू द सॉकेट ऑफ अनदर बोन्स। तो दूसरी बोन में बाल टाइप जो हड्डी होती है उस सॉकेट में एडजस्ट होता है, जिसको कि घूमने में चारों तरफ मदद करता है। नंबर सी, पिवट ज्वाइंट।
पीवट ज्वाइंट अलाउ टू मूवमेंट साइड वे एंड अप एंड डाउन। एक पीवट ज्वाइंट ज्वाइंट होता है जो कि साइड में होता है और अप एंड डाउन होता है, ऊपर नीचे करता है। दे आर फाउंड बिटवीन द स्कॉल एंड फर्स्ट टू वर्टेब्रा। जैसे स्कॉल में आप देखेंगे ये ऊपर नीचे होता है और नंबर डी ग्लाइडिंग ज्वाइंट एग्जिस्ट बिटवीन द बोन्स इन द रिस्ट एंकल एंड द वर्टेब्रेज ऑफ द स्पाइन। तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो होता है कलाइयों और एंकल के बीच में, वर्टेब्रा जहाँ पे स्पाइन होता है उस जगह में भी होता है। मसल्स एंड मूवमेंट, ये आप पिक्चर में देखेंगे मसल को। मसल आर फ्लेशी बंडल्स ऑफ थिन इलास्टिक टिश्यू दैट हेल्प बोन्स एंड ज्वाइंट टू मूव। मसल का काम है जो जिसके अंदर छोटे पतले पतले इलास्टिक टिश्यू होते हैं जो कि हमारे हड्डियों को, हमारे ज्वाइंटों को चलाने में वो मदद करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवर मोमेंट ऑफ आवर बॉडी। उनकी जिम्मेवारी हमेशा के लिए बनती है हमारे शरीर के मूवमेंट, अपनी गति को घुमाने के लिए। ए मसल कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू मेक मोमेंट। तो ये मसल जो होता है गतियों से मूवमेंट करता है, कंट्रैक्ट होता है। वी हैव मोर देन 650 मसल इन आवर बॉडी ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। तो हम लोगों के शरीर के अंदर 650 मसल हैं हमारे शरीर में, उनका आकार अनेक प्रकार के हैं, बड़े हैं छोटे हैं। दे परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन, उनके भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य हैं। टाइप्स ऑफ मसल, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल। तो वॉलंटरी मसल, दीज मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। दे आर अटैच टू बोन्स मसल ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, इनवॉलंटरी मसल। दीज मसल आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, दे आर ऑल्सो नॉन ए स्मूथ मसल। द मसल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लंग्स एंड इंटेस्टाइन। तो इस प्रकार से हमारे मसल्स हैं। एक कार्डिक मसल होता है, आर स्पेशल टाइप्स ऑफ मसल प्रेजेंट इन आवर हार्ट। हम लोग का हृदय, शरीर के अंदर जो हार्ट होता है वो कार्डिक मसल एक स्पेशल एक प्रकार का मसल है। दे वर्क ऑल द टाइम, ये हमेशा काम करता रहता है। जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक ये काम करता रहेगा, थकने वाला रुकने वाला नहीं है। जब रुक गया तो आप भी काम करता, हम आप भी रुक गए। वर्किंग ऑफ मसल, मसल यूजुअली वर्क इन पेयर्स बाय कंट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग। रिलैक्सिंग मसल दो मसल में होते हैं जो कि प्रयोग किए जाते हैं। दो मसल रिलैक्सिंग व्हेन इन पार्ट ऑफ द बॉडी मूव, जब शरीर के अंग कोई घूमता है चलता है। ए मसल और ए ग्रुप ऑफ मसल कंटेक्ट वाइल अनदर मसल, एक मसल एक दूसरे मसल से कंटेक्ट है, जुड़ा हुआ है। ग्रुप ऑफ मसल रिलैक्स, और वही कुछ ग्रुप का मसल्स हैं जो कि रिलैक्स करते हैं। केयरिंग फॉर आवर मसल एंड बोन, मसल और बोन की देखभाल कैसे करना है। अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस टू योर बोन्स ज्वाइंट्स एंड स्केलेटन, अवॉइड पुअर पॉस्चर। नंबर दो है, ईट फूड रिच इन कैल्शियम एंड प्रोटीन्स टू कीप बोन्स एंड मसल हेल्दी। तो मसल और बोन को स्वस्थ रखने के लिए
कैल्शियम भोजन में लेना चाहिए, प्रोटीन भी खाना चाहिए जिससे कि हमारा बोन और मसल स्वस्थ रहता है। सनलाइट हेल्प आवर बॉडी टू मेक विटामिन डी, सूर्य का प्रकाश भी हमारे शरीर के लिए विटामिन डी देता है, विच इज बेनिफिशियल फॉर आवर बोन्स। एक्सपोज योर बॉडी टू सनलाइट डेली, तो इसलिए सूर्य का प्रकाश लेना हमें बहुत ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप देम मसल फिट एंड स्ट्रॉन्ग, एक्सरसाइज भी हमारे मसल को स्ट्रॉन्ग कर रख सकता है। अब ये लेसन आपका समाप्त हो गया, अब हम लोग चलते हैं एंसर में, एंसर पे ध्यान देंगे। ए क्वेश्चन नंबर वन में देखेंगे, लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय, राइट आंसर राइब केज डी। नंबर टू, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ कर्व्ड बोन प्रेजेंट इन आवर चेस्ट, राइट आंसर 12 बी। नंबर थ्री, द मसल इन आवर हार्ट आर कार्डिक मसल, कैल्शियम एंड प्रोटीन आर गुड फॉर बोन्स। नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में आप लोग इसको नेम लिखना है, नंबर ऑफ बोन्स लिखना है, ऑर्गन सीट प्रोटेक्ट लिखना है, यानी पिक्चर को देख करके आप उसका नाम लिख देंगे, लिखा हुआ है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं सब लिखा हुआ है, ऑर्गन सीट प्रोटेक्ट वो किस ऑर्गन का सुरक्षा करता है, तो इसको फॉलो करके लिख लेंगे। और नंबर सी में है, डिफरेंटिएट बिटवीन द फॉलोइंग, वॉलंटरी मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल, दे आर अटैच टू बोन्स जैसे में आर्म्स एंड लॉग, इन वॉलंटरी मसल आर नॉट आवर कंट्रोल अंडर कंट्रोल, जैसे कि इन इंटरनल ऑर्गन्स लंग्स एंड इंटरनल लंग्स एंड हार्ट, मूवेबल एंड इमूवेबल ज्वाइंट, ज्वाइंट विच कैन मूव वन एंड ज्वाइंट विच कैन नॉट मूव, जैसे में आर्म्स लेग एंड स्कॉल राइट केस। अब क्वेश्चन नंबर पे ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर डी आंसर आप लोग नोट कर लेंगे। वन का आंसर, द स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स ऑन विच आवर बॉडी हैज बीन बिल्ट, देयर आर सम फंक्शन ऑफ द स्केलेटन, इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी, इट हेल्प अस टू स्टैंड अपराइट, इट प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन, इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स अलोंग विथ द मसल। क्वेश्चन नंबर टू आंसर, कार्डिक मसल आर स्पेशल टाइप्स ऑफ मसल प्रेजेंट इन आवर हार्ट, दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज इट वर्क्स all the time throughout our life without getting tired. Question number three answer, here some types caring for our muscle and bones, avoid unnecessary stress your bones joints and skeleton, avoid poor postures, eat food rich in calcium and protein to keep bone and muscle healthy, expose your body to sunlight daily, exercise regularly to keep the muscle fit and strong. Question number 4 answer, the place where our bones joined with
the other is called joint. There are four types of joints: hip joint, ball and socket joint, pivot joint and gliding joints. तो ये सब इस तरह के joints हैं. तो अब आप लोग का question answer भी ये lesson का समाप्त हो गया. अब अगला lesson पढ़ाने के बाद उसका question answer भी किया जाएगा. तब तक के लिए धन्यवाद.